अवसर बेर बेर नहीं आवे। समझना ये बात को आप। हमारे जीवन का जो ये अवसर हमें मिला है, हमारे जीवन का ये जो चांस हमें मिला है, चांस तो जीवन में बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन ये गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया, इसीलिए पंक्ति लिखी गई, इसीलिए हमारे गुरुओं ने लिखा, अवसर बेर बेर नहीं आवे। जीव जाने तू कर ले भलाई, जैसे ही तुझे पता चले कि मेरे लिए गोल्डन चांस है, उसको मिस मत कर। अवसर बेर बेर नहीं आवे, जीव जाने तू कर ले भलाई, जन्म जन्म फल पावे। कहा कि और कोई जन्म में व्यवस्था नहीं है कि आप उस जीवन में पुण्य करो और जन्मों जन्म आपके अच्छे बन जाए, जन्मों जन्म की आपकी व्यवस्था सुधर जाए, जन्मों जन्म आपके सुधर जाए। ऐसी व्यवस्था अन्य कोई योनियों में, अन्य कोई भवों में आपको नहीं मिल सकती, लेकिन यह मनुष्य जीवन, यह मनुष्य जन्म ऐसा है। कहा कि जीव जाने तू कर ले भलाई, जन्म जन्म फल पावे। ये मनुष्य जीवन के भीतर ऐसी ताकत है, आप चाहो तो आपका अगला भाव सुधार सकते हो, आप चाहो तो अगले 5 भाव सुधार सकते हो, आप चाहो तो अगले 50 भाव सुधार सकते हो, आप चाहो तो अगले 100 भाव सुधार सकते हो, और आप चाहो तो मोक्ष मंजिल तक पहुंच सकते हो। ये ताकत मनुष्य जीवन के भीतर है, और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं अवसर बेर बेर नहीं आवे। कितनी चीजें इकट्ठी होती है तब धर्म हो पाता है। आपका शरीर सुव्यवस्थित ना हो, आप धर्म नहीं कर सकते। घर का माहौल ठीक नहीं हो, आप धर्म नहीं कर सकते। परिवार वाले धर्म के द्वेषी हो, आप धर्म नहीं कर सकते। मंदिर उपासना बड़ा दूर हो, आप धर्म नहीं कर सकते। आपका मन न होता हो, आप धर्म नहीं कर सकते। आपके पास सामग्री न हो, आप धर्म नहीं कर सकते। अब मंदिर जी में चले जाओ, वहां वासक सेव न मिले आपकी पूजा रह जाएगी, वहां केसर न मिले आपकी पूजा रह जाएगी। कितनी सारी चीजों का समन्वय होता है तब धर्म हो पाता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि बराबर समझ लेना, डोंट मिस द चांस। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस हमारे जीवन का, ये चतुर्मास जो शुरू होने जा रहा है, वो चतुर्मास हमारे जीवन की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमारे जीवन का गोल्डन चांस है। इसीलिए लिखा गया अवसर बेर बेर नहीं आवे। मैं आपको जगाना चाहता हूं, हर साल चतुर्मास आते हैं, हर साल हम 4 महीना प्रवचन श्रवण करते हैं, लेकिन बदलते कितना है, परिवर्तन कितना आता है, चेंजेस कितने आते हैं। और जब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक 100 नहीं, 50 नहीं, 500 चतुर्मास परिपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चतुर्मास ये चांस है धर्म की आराधना का। आपके पास शरीर भी अच्छा है, आपके संयोग भी अच्छे, आपके पास सामग्री भी है, धर्म करने के लिए अच्छा क्षेत्र भी है, शरीर का माहौल भी ठीक है, घर का माहौल भी ठीक है, परिवार धर्म का द्वेषी नहीं है, इतनी सारी चीजों का समन्वय हो गया है। अब क्या करना है, बस मन को तैयार करना है धर्म करने के लिए, आपका चतुर्मास सफल हो जाए। गुरु महाराज की निश्रा भी मिल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, 14,000 साधु साध्वी जी भगवान हमारे जिन शासन में हैं, उसमें भी श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में देखा जाए तो 10-12,000 साधु साध्वी जी भगवान थे। कितने संघों को चतुर्मास का लाभ मिलता है, कितने कम संघ है जहां गुरुदेव का लाभ मिलता है। कई संघों में तो हजारों संघ आज भी भारत भर में ऐसे हैं जहां श्रमणी भगवान, 2 श्रमणी भगवान का भी चतुर्मास नहीं मिलता। कई संघ ऐसे जो तरस्त है। महाराज साहब 2-5 साल में हम गए थे नॉर्थ के क्षेत्र में, दिल्ली आदि, वहां से आगे जम्मू, जम्मू जैसा क्षेत्र, 500 जैन घर है, लेकिन फिर भी पिछले 15 साल में एक भी चतुर्मास नहीं। अब पुण्यशाली है कि गुरु भगवंत की पावन निश्रा भी मिल गई, मार्गदर्शन भी मिल गया, ऐसे गच्छाधिपति गुरु भगवंत भी मिल गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अवसर बेर बेर नहीं आवे। ये चतुर्मास ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवाना। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।